हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। इन पहाड़ियों के बीच कई अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं, जिनमें से एक बेहद चर्चित और रहस्यमय दावा है। क्या हिमालय के गुफाओं और घाटियों में एलियंस का अड्डा हो सकता है? ये सवाल वर्षों से चर्चा का विषय रहा है, खास करके जब विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने अजीब घटनाओं और असामान्य गतिविधियों की रिपोर्ट की है। इस वीडियो में हम और अधिक गहराई से समझने का प्रयास करेंगे और उन सबूतों पर चर्चा करेंगे जो कुछ लोगों के अनुसार यह साबित करता है कि हिमालय की पहाड़ियों में एलियंस का अड्डा हो सकता है। हिमालय की पहाड़ियों को सदियों से आध्यात्मिक और रहस्यमय स्थल के रूप में देखा गया है। भारतीय और तिब्बती परंपराओं में इस पर्वत श्रृंखला को दिव्य स्थान माना जाता है, जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे। लेकिन इन धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के साथ साथ कई कहानियां और किस्से भी हैं जो यह इशारा करते हैं कि हिमालय में कुछ असाधारण शक्तियां विद्यमान है। इन कहानियों में एलियंस के अस्तित्व की संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता। हिमालय की पहाड़ियों में उड़न तस्तरी देखे जाने की कई रिपोर्ट्स हैं, खास करके भारत के उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश क्षेत्रों में लोगों ने आकाश में अजीब उड़ती हुई वस्तुओं को देखा है, जो सामान्य विमान या हेलीकॉप्टर से बिल्कुल अलग दिखती थी। लद्दाख के दूर दराज क्षेत्रों में कई लोगों ने अजीब चमकती रोशनी और उड़ती वस्तुओं की रिपोर्ट दी है। भारतीय सेना के कुछ जवानों ने भी 2012 में रिपोर्ट किया था कि उन्होंने आकाश में विचित्र वस्तुओं को देखा है, जो बिना किसी ध्वनि के तेजी से उड़ रही थी। ये घटना काफी चर्चित रही और इससे जुड़ी कई चर्चाएं हुई कि क्या ये एलियंस की गतिविधियां हो सकती है। उत्तराखंड के कुछ गांवों में लोगों ने एक गहरी रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनी है, जो आमतौर पर सुनाई देने वाली प्राकृतिक ध्वनियों से अलग थी। ग्रामीणों ने कहा कि ये ध्वनियां आकाश से आ रही थी और ये ध्वनि कहाँ से आ रहे थे, इसका कोई स्पष्ट स्रोत नहीं मिला। कुछ लोग इसे एलियंस की उपस्थिति से जोड़ते हैं और दावा करते हैं कि ये आवाजें किसी अन्य ग्रह से आई हुई सभ्यता का संकेत हो सकती है। हिमालय में कई प्राचीन गुफाएं और सुरंगें हैं, जिन्हें आज तक पूरी तरह से खोजा नहीं जा सका है। कुछ लोगों का मानना है कि इन गुफाओं में एलियंस का अड्डा हो सकता है। इन गुफाओं में सदियों से कोई इंसान नहीं गया है और इनमें अजीब संरचनाओं और आकृतियों की खोज की गई है। रूपकुंड झील का रहस्य। रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ बड़ी संख्या में प्राचीन मानव कंकाल पाए गए हैं। वैज्ञानिक इस बात पर अभी तक सहमत नहीं हो पाए हैं कि ये कंकाल कैसे और क्यों यहाँ पहुँचे। कुछ लोग इस रहस्य को एलियंस की उपस्थिति से जोड़ते हैं और मानते हैं कि ये कंकाल एलियंस के कुछ अज्ञात गतिविधियों का परिणाम हो सकते हैं। कैलाश पर्वत का रहस्य। कैलाश पर्वत को तिब्बती और भारतीय धर्मों में पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके साथ कई वैज्ञानिक और रहस्यमय धारणाएं भी जुड़ी हुई है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के असफल प्रयासों के बाद यह धारणा और मजबूत हो गई है कि यहाँ कोई असाधारण ताकत मौजूद है। तिब्बती लामा और उनके दावे। तिब्बती लामाओं के अनुसार हिमालय के कुछ गुफाओं में ऐसी उन्नत प्रजातियां निवास करती है जो सीधे तौर पर अन्य ग्रहों से आई हुई हो सकती है। एक तिब्बती लामा ने दावा किया था कि वह एक बार ऐसी गुफा में गया था जहां उसे अलौकिक गतिविधियों के संकेत मिले। लामाओं के मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि हिमालय के कई गुप्त स्थानों पर कुछ विशेष जीव या प्राणी निवास करते हैं, जो मानव सभ्यता के लिए अदृश्य हैं। हिमालय की ऊंचाइयों में जहां हर कदम चुनौती है, वहां भारतीय सेना के बहादुर जवानों का सामना न सिर्फ कुदरत से हुआ, बल्कि एक ऐसी ताकत से हुआ जिसे न उन्होंने पहले देखा था और न ही कभी सोचा था। 2012 की ठंडी रात में भारतीय सेना और एलियंस का सामना एक ऐसी सच्ची घटना है जो आपको चौंका देगी। हिमालय, जहां आसमान की ऊंचाई धरती से मिलती है, सर्दियों में और भी रहस्यमय हो जाता है। 2012 की एक ठंडी रात में भारतीय सेना के जवान लद्दाख के पास भारत चीन सीमा पर गश्त कर रहे थे। यह इलाका तिब्बत की सीमा से सटा हुआ है और हमेशा से अपने कठिन मौसम और दुर्गम परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने जवानों के दिलों में एक अलग ही डर और हैरानी पैदा कर दी। तारीख थी 1 जनवरी 2012। वो रात आम दिनों की तरह ही थी। बर्फीली ठंडी हवाएं, घना अंधेरा और चारों ओर पहाड़ों की खामोशी। भारतीय सेना के जवान अपने नियमित गश्ती दल के साथ सीमा पर चौकसी कर रहे थे। यह जगह बेहद संवेदनशील थी, इसलिए किसी भी हलचल पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था। लगभग रात के 9 बजे जवानों ने आसमान में कुछ चमकती हुई चीज देखी। पहले उन्हें लगा कि शायद किसी उपग्रह की रोशनी है, लेकिन जब वह वस्तु धीरे धीरे पास आने लगी तो मामला कुछ और ही नजर आया। जो चीज उन्होंने देखी वह एक विशाल चमकती हुई उड़न तस्तरी थी। यह धीरे धीरे सीमा के पास भारतीय इलाके में दाखिल हो रही थी। जवानों ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी। जवानों ने बताया कि यह कोई सामान्य विमान नहीं था,
यह अजीबो गरीब रोशनी से घिरा हुआ था और बिना किसी आवाज के आसमान में मंडरा रहा था। करीब 10 मिनट तक यह उड़न तस्तरी वहीं पर स्थिर रहा और जवानों ने अपने दूरबीनों से उसे करीब से देखा। वे इस बात से दंग थे कि यह किसी तरह की धातु से बनी हुई लग रही थी, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं थी। इससे जवानों में हलचल मच गई। फिर अचानक वह तस्तरी बिजली की गति से गायब हो गई, मानो कभी वहां थी ही नहीं। यह घटना पूरी सेना के लिए किसी पहेली से कम नहीं था। उन्होंने तुरंत सैटेलाइट मॉनिटरिंग और रडार सिस्टम से जांच करवाई, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। ना कोई उड़ान योजना, ना कोई चीनी विमान का कोई संकेत। यह एक रहस्यमय घटना थी। जवानों को उस समय लगा कि वे किसी ऐसी शक्ति से रूबरू हो रहे थे जिसके बारे में वे कुछ नहीं जानते। यह घटना एक बार की नहीं, इसके बाद भी जवानों ने उसी इलाके में कई बार ऐसे ही उड़न तस्तरी देखे। जून 2012 में भी इसी क्षेत्र में कई सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने फिर से अजीब चमकती हुई चीजें देखी है, जो आसमान में अचानक प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। इस घटना के बाद भारतीय सेना ने इस इलाके में निगरानी और बढ़ा दी। कई रिपोर्ट्स के अनुसार इन उड़न तस्तरी को कई बार भारत चीन सीमा के पास देखा गया है, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि क्या ये किसी अन्य ग्रह की सभ्यता से जुड़े हुए हैं, या फिर यह किसी विदेशी ताकत की नई तकनीक का नतीजा है। इस घटना पर भारतीय सेना ने कभी सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया, लेकिन जवानों के बयान और स्थानीय रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि करती है कि कुछ अजीब जरूर हुआ था। उड़न तस्तरी विशेषज्ञ और वैज्ञानिक इस बात को लेकर अटकलें लगाते हैं कि हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में ऐसी कई घटनाएं हो सकती हैं जिन्हें अब तक नजरअंदाज किया गया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह क्षेत्र पृथ्वी पर एलियंस के उतरने के लिए उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि यह बहुत ही दूर दराज और शांत है, जहां मानव गतिविधियां कम होती है। कई आधुनिक खोज और तकनीकी प्रमाण भी यह संकेत देते हैं कि हिमालय के कुछ क्षेत्रों में असामान्य गतिविधियां हो सकती है। सैटेलाइट इमेजिंग और रडार तकनीक का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने हिमालय की कुछ गुफाओं और सुरंगों में अजीब आकृतियां और संरचनाओं की खोज की है, जो प्राकृतिक नहीं लगती। ये संरचनाएं ऊंचे पहाड़ी इलाकों में स्थित है, जहां तक इंसानों की पहुंच नहीं है। वैज्ञानिक इन संरचनाओं के स्रोत के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियंस द्वारा बनाई गई हो सकती है। कांगतीसे पर्वत, जिसे संभला का द्वार भी कहा जाता है, तिब्बत और भारत के सीमा क्षेत्र में स्थित है। इसे एक पवित्र और रहस्यमय स्थान माना जाता है, जहां लोगों का मानना है कि एक गुप्त साम्राज्य छिपा हुआ है, जिसे केवल कुछ विशेष व्यक्ति ही देख सकते हैं। यह साम्राज्य संभला के नाम से जाना जाता है और इसे प्राचीन तिब्बती ग्रंथों में भी वर्णित किया गया है। संभला को एक उन्नत और गुप्त सभ्यता का घर माना जाता है, जहां ज्ञान और विज्ञान की उच्चतम सीमाएं मौजूद है। कुछ तिब्बती लामाओं और रहस्यवादी विद्वानों का मानना है कि यह सभ्यता एलियन से जुड़ी हो सकती है, जो हिमालय की गहरी गुफाओं और पहाड़ियों में छिपी हुई है। ये मान्यता इस विचार को और भी रोमांचक बनाती है कि एलियंस हिमालय में छिपकर हमारे ग्रह पर नजर रख रहे हैं। यति का संबंध एलियन से। हिमालय के पहाड़ों में यति या ही मानव का किस्सा सदियों से चर्चा में रहा है। इसे एक विशालकाय बंदर जैसे प्राणी के रूप में देखा जाता है, जिसे कई लोगों ने हिमालय के जंगलों और पहाड़ियों में देखा है। कई पर्वतरोहियों और स्थानीय निवासियों ने यति के पैरों के निशान और उसकी उपस्थिति के बारे में बताया है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यति एलियन हो सकता है। वे तर्क देते हैं कि यति जैसे प्रजाति मानव से विकसित नहीं हुई है, बल्कि यह पृथ्वी के बाहर से आई एक सभ्यता का हिस्सा हो सकता है। यति की अजीबोगरीब शारीरिक बनावट और उसकी असामान्य गतिविधियां यह इशारा करती है कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। रहस्यमय ऊर्जा का क्षेत्र। हिमालय के कुछ क्षेत्रों में पर्वतरोहियों और स्थानीय लोगों ने अजीब ऊर्जा क्षेत्रों का अनुभव किया है। इन क्षेत्रों में लोगों को अचानक से कपकपी महसूस होती है, उन्हें सुनाई देने वाली ध्वनियां बदल जाती है, और कभी कभी तो उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये ऊर्जा क्षेत्र हिमालय की पहाड़ियों में छिपी हुई किसी अदृश्य शक्ति का संकेत हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियंस द्वारा स्थापित अड्डों के सुरक्षा उपाय हो सकते हैं, जो इन क्षेत्रों को आम इंसानों से छिपाकर रखने के लिए बनाए गए हैं। इन ऊर्जा क्षेत्रों का अनुभव करने वाले लोगों का कहना है कि वहां पर एक अजीबोगरीब माहौल होता है, जो किसी अलौकिक ताकत का एहसास कराता है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रहस्यमय धातु संरचनाएं। हिमालय के कुछ गुफाओं में पर्वतरोही और खोजकर्ता ऐसी धातु की संरचनाओं का सामना कर चुके हैं, जिनका कोई स्पष्ट स्रोत नहीं है। ये संरचनाएं आम धातु की तरह दिखती है, लेकिन उनके निर्माण की तकनीक इंसानों द्वारा किए गए निर्माण से काफी अलग लगती है। कुछ शोधकर्ता का मानना है कि ये धातु संरचनाएं एलियंस की तकनीक का हिस्सा हो सकती है, जिन्हें वे गुफाओं में छिपाकर रखते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभव।
कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने दावा किया है कि जब वे अंतरिक्ष में थे और हिमालय के ऊपर से गुजरे तो उन्होंने वहां पर कुछ असामान्य गतिविधियां देखी। उनके अनुसार हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के पास उन्हें अजीब चमकती हुई वस्तुएं और उड़न तस्तरियां दिखाई दी। इन उड़न तस्तरियों की गति और दिशा पृथ्वी पर मौजूद किसी भी मानव निर्मित विमान से मेल नहीं खाती थी। हालांकि इस बारे में कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों की ये रिपोर्ट्स इस बात की ओर इशारा करती है कि शायद हिमालय की पहाड़ियों में कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो हमारे ग्रह की सामान्य गतिविधियों से अलग है। सामूहिक हिप्नोटिक ट्रांस अनुभव। कुछ पर्वतरोहियों और शोधकर्ताओं ने हिमालय के दूर दराज क्षेत्रों में जाकर हिप्नोटिक ट्रांस अनुभव किया है। उनका कहना है कि जब वे कुछ गहरी गुफाओं के पास पहुंचे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके दिमाग पर कोई अदृश्य ताकत हावी हो रही है। वे अपनी सोच और कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख पाए और उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे वे सामान्य शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे। ये अनुभव यह इशारा करते हैं कि शायद हिमालय के कुछ गुप्त स्थानों में एलियंस की कोई मानसिक तकनीक काम कर रही है जो उन क्षेत्रों में आने वाले लोगों पर हावी हो जाती है। यह एक अत्यधिक चौंकाने वाला तथ्य है जो एलियंस की मानसिक शक्ति और उनके अड्डों की सुरक्षा तकनीक के बारे में हमें सोचने पर मजबूर करता है। हर एक घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारे ग्रह पर कुछ ऐसा है जो अभी तक हमारी समझ से परे है। जैसे जैसे वैज्ञानिक खोजबीन जारी रखेंगे, हमें उम्मीद है कि इन पहाड़ियों में छिपे अलौकिक रहस्यों से धीरे धीरे पर्दा उठेगा। तब तक हिमालय की रहस्यमय दुनिया हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।